आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं हसन इमाम आबदी आज मेहमान हूँ अपने दोस्त आचार्य शैलेश तिवारी साहब का, वेद गुरु, तांत्रिक गुरु और जो मेरे बहुत प्रिय और बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज इनकी दावत पर, इनके दावतनामे पर मैं इनके घर आया हूँ। हम लोगों को आपने जो है वो टीवी डिबेट में देखा होगा, देखा है। तो मैंने जो एक वादा किया था अपने दोस्तों से और जो मैं महसूस कर रहा हूँ आज के दौर में जो जो हालात हैं मुल्क की, उसमें सोचता हूँ कि पैगाम मोहब्बत के उनवान से जो है एक सीरीज शुरू करूँ। और उसमें सबसे पहले मैंने अपने प्रिय दोस्त और अपने भाई की तरह इन्होंने मुझे प्यार दिया है, तो मैं इनकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप खुद अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, और मैं हिंदुस्तान के सभी मीडिया में, सभी चैनलों पर अपने सनातन धर्म का पुरजोर तरीके से अपना स्थान रखते हुए, उसका प्रभाव रखते हुए समर्थन करता हूं। और आज के समय में जरूरत है, जिस तरह हालात बने हुए हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच लड़ना, लड़ाना, उन्माद फैलाना, चाहे वो जिहादी उन्माद हो चाहे धार्मिक उन्माद हो, जरूरत है आज इस देश में कि लोगों के अंदर अगर शांति हो तो आपसी भाईचारा से, आपसी संबंधों में मधुरता से। और इसके लिए आज हमारे साथ इमाम हसन इमाम आबिदी साहब, हमारे मित्र जो मुस्लिम धर्म के इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके साथ बैठ करके चर्चा हो रही है कि कैसे समाज में भाईचारा को बढ़ाया जाए, कैसे समाज में लोगों के बीच नफरत को समाप्त किया जाए। जरूरत है नफरत को समाप्त करने का, और वह नफरत समाप्त तभी होगा जब व्यक्ति के अंदर जो एक गुस्से की आग है वो समाप्त करने से। गुस्सा को न करें, शांति को ज्यादा समर्थन करें, मार काट को ज्यादा तरजीह न दें, ज्यादा से ज्यादा जो है वह प्रेम सौहार्द को बढ़ाएं। और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति शाकाहारी बनेगा। मेरा मानना है कि शाकाहार बहुत बड़ा वजह होता है व्यक्ति के अंदर प्रेम फैलाने का, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का, व्यक्ति के अंदर आपसी सद्भाव बढ़ाने का। मेरा मानना है कि जब शाकाहारी होगा आदमी तो उसके अंदर जो खून होगा वह खून मधुर खून होगा, मिठास उसके अंदर होगा। जब व्यक्ति मांसाहार होता है तो उसके अंदर गर्म खून होता है, वह मार काट की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। और मेरा मानना है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है, जो सबसे ज्यादा जिसको पूजा करता है वह गौ माता को पूजा करता है। अगर मुस्लिम लोग भी गौ माता को पूजने लगे, मुस्लिम लोग भी गौ माता को माता की तरह मानने लगे कि यह हमारी धरोहर है, क्योंकि चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, बचपन में वह दूध पीता है, दही खाता है, अभी भी दही खाता है, मिष्ठान खाता है, छाछ पीता है, वह गौ माता से ही आता है। और जब सब धर्मों के लोग, चाहे वह मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, यहूदी हो, सब धर्मों के लोग अगर गौ माता को माता मानने लगेंगे तो मुझे लगता है कि यहीं से बहुत सारे झगड़ा फसाद का जो स्थिति है वह समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, आपने जो बात की, देखिए हम जो हमारा स्टेटस है, मतलब हम धर्म गुरु हैं, आप हैं, मैं हूं, हम जब एक बात बोलते हैं जो हमारे नाज़रीन है वो जाहिर सी बात इतने मैच्योर नहीं है, हम सतह के लोग होते हैं। तो जब आप एक बात बोल रहे हैं जो मेरे जो लोग हैं फिरते के, मैं कहता हूँ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जब मैं आपके लिए कुछ बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा हम क्या करें। मतलब मैं अपनी कबीले की बात कर रहा हूँ, हमारे आपकी, यानी मैं भी धर्म गुरु हूँ, आप भी धर्म गुरु हैं, तो उस खानदान में जो धर्म गुरु हैं, जो हमारा सेक्शन है, जो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, जाहिर सी बात है उसमें हर एज का आदमी बैठा होगा, तो अपने अपने हिसाब से वो पिकअप करता है आपकी बात जो है, वो उठाता है तो आपके बातों को। तो उनके लिए खुद खास करके सबसे पहले स्पेशल उनके लिए कि जो
धर्मगुरु हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, फिर आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मजहब तो कोई भी हो, मजहब से आप बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जो भी धर्मगुरु है किसी भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म के स्कॉलर हो, हिंदू धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, आपको सिख धर्म के हो, यहूदी धर्म के हो, जैन धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, सभी धर्मों को धर्मगुरुओं के सामने एक सबसे अच्छा मुद्दा जो है वह चरित्रवान बनने का है। अगर आप किसी बेटी बहन को, किसी माता को माता की तरह दृष्टि रखते हैं, जब दूसरे बेटी बहनों को बेटी बहन की तरह मानते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छा चरित्र पैदा होता है। और जब आपके अंदर चरित्र अच्छा पैदा होता है, तो उसी समय से आपके लोग सामने झुकना शुरू कर देते हैं, आपको प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और चरित्रवान होना अपने आप में लगता है बहुत सारे झगड़ा फसाद का समाप्ति है। मैंने दो बातें कही, एक तो आदमी चरित्रवान बने, दूसरा शाकाहारी बने। अगर ये दो चीज कर ले तो दुनिया में लड़ाइयां समाप्त हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, आज लड़ाइयां भारत में किस बात को है, फलना मुस्लिम व्यक्ति ने इस गाय को काट करके ले जा रहा था, तो लोग उसके हिंदू भाई लोग जो है मिल करके हाथ पर तोड़ दिए, सर काट दिए, हत्या कर दिए। इस तरह की घटना तभी घटती है जब आप जीव हत्या करते हैं। अगर आप शाकाहार हो जाएं तो आप विहार करें, पूरी दुनिया आपका परिवार लगेगा। दूसरा क्या देखा जाता है कि आए दिन जो है कोई न कोई धर्म गुरु, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, हिंदू धर्म गुरु बाबा हो, या कोई क्रिश्चियन पादरी हो, सब लोग चरित्रहीन बन गया है। महिलाओं के प्रति उनकी दृष्टि गंदी है, छोटे छोटे बेटियों के साथ कुकर्म कर देते हैं। अगर व्यक्ति चरित्रवान हो जाए, दूसरी की बेटियों को अपनी बेटी समझे, दूसरी की माँ को अपनी माँ समझे और सम्मान देना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है बहुत सारे झगड़ा की समाप्ति यहीं से हो जाएगी। जब आदमी चरित्रवान होता है तो वह व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त करता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और वो उसकी जो दृष्टि होती है वसुधैव कुटुम्बकम की हो जाती है, पूरा पृथ्वी परिवार लगने लगता है। तो मेरा मानना है कि चरित्रवान होना और शाकाहार होना, ये दो चीज अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि, अगर शुरुआत में आम पब्लिक से नहीं कह रहा हूं कि आम पब्लिक इसकी शुरुआत करे, अगर धर्म गुरु लोग शुरुआत कर दे ये दो चीज, एक तो शाकाहारी बन जाए और दूसरा चरित्रवान बन जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस दुनिया में शांति की शुरुआत हो जाएगी। जो मारकाट है, जो धर्म के नाम पर जो मारकाट हो रहा है, वो मारकाट समाप्त हो जाएगा। ओवरऑल जो भी मारकाट हो रहा है वह सिर्फ यही दो कारणों से हो रहा है। देखिए मैं आपसे जो अवामी सतह पर जो बात है इन पब्लिकली, एक चीज यह है कि मिसाल के तौर पर मोहब्दीन सिंह के वाकयात आपने तस्करा कर दिया उसका, मिसाल के तौर पर वो एक हो रहा है थोड़े थोड़े दिनों के बाद, तो जो अवाम है, जो पब्लिक है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई एक आदमी मिल गया, मतलब 150 लोग मिलते हैं मार डाला। देखिए मॉब लिंचिंग तब होती है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जब आप किसी धर्म के पूजनीय माता को लोग खाने के लिए शुरू कर देते हैं, मारकाट शुरू कर देते हैं, गौ हत्या शुरू कर देते हैं, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एक खाई बनी हुई है हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, वह खाई सिर्फ इसी कारण बनी हुई है कि गौ माता की हम पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग जो हैं उनके यहाँ सब मांस एक बराबर है, मांसाहार उसको करते हैं, जैसे बीफ खाते हैं लोग। यह एक नफरत का बहुत बड़ा कारण है। यह अगर खाई समाप्त हो जाए या खाई शाकाहार से समाप्त हो सकता है, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपसी फिर तो परिवार हो जाएंगे। जब तक से नहीं होगा परिवार कोई नहीं बन पाएगा, मॉब लिंचिंग देश में जारी रहेगा जब गौ की हत्या होगी। मेरा मानना है कि गौ हत्या बंद करने का एक भारत सरकार कानून लाए और प्रतिबंध लगाए कि जिस तरह आदमी की हत्या पर फांसी होती है और उम्र कैद होती है, उसी तरह अगर गौ हत्या कोई करता है पकड़ा जाता है तो उसको फांसी होगी, उम्र कैद होगा। तो मुझे लगता है इस तरह का वाकया होगा नहीं, मॉब लिंचिंग होगा नहीं। और दूसरी बात है, जरूरत है शिक्षा का प्रचार प्रसार होना। अशिक्षा के कारण 100 लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को मार पीट करके और उसको खत्म कर देते हैं। मुझे लगता है अगर शिक्षित लोग होंगे
तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून का काम है कानून का पालन कराना, और कानून के लिए प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उस वही काम करेगा। आम पब्लिक को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। और जिस तरह मॉब लिंचिंग और उसके बदले में एक और लिंचिंग, जैसे देखा जाता है कि कोई मॉब लिंचिंग हो गया, कोई मुस्लिम लड़के को लोगों ने पीट पीट करके 100 लोगों ने मार दिया, उस समय धर्म गुरुओं को चाहिए, जैसे मुस्लिम परिवार के घर से 10,000 लोग एक साथ निकलते हैं पूरे हथियार लेकर के और रोड पर गाड़ियों को तोड़फोड़ आगजनी करने लगते हैं, थानाओं को घेरा करके उनको जलाने लगते हैं, मुझे लगता है कि उस समय धर्मगुरु लोग जो है अपने धर्म के अपने समुदाय के लोगों को रोके और बताए कि जो घटना घटा है उसका जो निर्णय है वह आप नहीं लीजिए, उसका प्रशासन लेगा, उसका न्यायालय लेगा। अगर इस तरह एक दो वाक्या को रोक दिया जाए तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे यह घटना समाप्त हो जाएगा, मॉब लिंचिंग कुछ होगा नहीं। दूसरा, सबका सम्मान करने का है। आप अल्लाह अकबर बोलते हैं, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं, मैं जय श्री राम बोलता हूं, उसको भी आप प्रणाम करें। और इस तरह अगर दोनों एक दूसरे को सम्मान करना शुरू कर दे, आप न चिड़े हमारे जय श्री राम से, न हम चिड़े आपके अल्लाह अकबर से। ईश्वर एक है, चाहे वह राम है, वह अल्लाह है, वह कृष्ण है, वह गॉड है, वह यीशु है, वह वाहे गुरु है, सब एक है, हम सब एक ईश्वर के संतान हैं। अगर इस बात को हम लोग मान लें तो मुझे लगता है कि पूरा पृथ्वी परिवार हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा, मार काट नहीं होगा, सब जगह शांति और अमन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में जो की पॉइंट है, मतलब जो आप ओवरऑल अपने देशवासियों को, खुसूसन जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्या किया जाए, उसका एक नुस्खा? मैं सभी दर्शकों को सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप सबसे प्रेम करो, अगर कोई इबादत कर रहा है तो उसको भी सम्मान करो, क्योंकि वह ईश्वर को इबादत कर रहा है। कोई अगर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो उसका भी आप सम्मान करें। जब एक दूसरे धर्म को हम सम्मान करना शुरू कर देंगे तो शांति फैलेगी, मारकाट समाप्त होगा, आपसी भाईचारे होगा, और जब भाईचारा बढ़ेगा तो एजुकेशन भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तो हम लोग भी एक डेवलप कंट्री के रूप में आ जाएंगे। आज हमारा देश इसलिए पिछड़ा हुआ है, इसलिए डेवलप्ड कंट्री नहीं जल्दी बन पा रहा है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा झगड़ा फसाद धर्म को लेकर के है, खानपान को लेकर के है। जब लोग शाकाहार हो जाएगा, झगड़ा फसाद की वही समाप्ति हो जाएगी। जब आप आपस में एक दूसरे को सम्मान करना शुरू कर देगा, आपके धर्म को मैं सम्मान करूं, आप हमारे धर्म को सम्मान करें, तो मुझे लगता है जब अशांति समाप्त हो जाएगी, तो शांति जब होगी तो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, एजुकेशन होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा। और मुझे लगता है इस तरह का हमारा देश का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इससे देश में आपसी भाईचारा के साथ साथ डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है इस तरह का आपसी सद्भाव जो है सभी धर्मों को आपस में जोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा जो हमारा व्यू है तो आपसी भाईचारे का, बस हमारी भी यही दुआ है आपसे कि आप एक रहिए, नेक रहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बदमाशों का ना कोई मजहब होता है और ना उनकी कोई आइडियोलॉजी होती है। आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय श्री राम।